हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। नंबर कम आते हैं, पहले ये समझ जाओ बच्चों कि कुछ नंबर कम आपके क्यों आ रहे हैं। कुछ ऐसे करना छोड़ दो, कुछ मतलब ऐसे कारण कुछ करना आप छोड़ दो, नहीं तो आएंगे आपके नंबर कम और आप इस चीज़ से आप निकल भी नहीं पाओगे। तो आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ऐसा समझने को और जानने को मिलेगा कि आप कुछ ही दिनों में नहीं, मात्र 2 दिनों के अंदर आपने अपनी गलतियों को सुधार करके अपने अच्छे नंबर आप लाने भी लगोगे। तो उसके लिए आपको अपनी गलतियां पहले सुधारनी पड़ेगी। कुछ गलतियां आप सुधार सकते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास खुद ही हो जाएगा। तो चलो, उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। क्या लगता है इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ कि आपके लिए इतना कुछ होने वाला है? तो देखो, मैं क्या बताने वाली हूँ, कुछ गलतियाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आप छोटे छोटे गलतियाँ करते हो, उन गलतियों को आज आपको सुधारने की बारी आ गई है। तो उन गलतियों को आप सुधार लो। तो देखो बच्चों, क्या है, फर्स्ट आपको टाइम टेबल के अनुसार ही काम करना है। आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। आप टाइम टेबल बनाते नहीं हो और आपके समय का कोई ठीक नहीं रहता, आप कब बैठते हो पढ़ने का। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हो और टाइम टेबल के अनुसार अगर पढ़ते अगर हो, तो आपका एक समय रहेगा कि हाँ, मुझे इस समय में इस बुक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। दूसरी क्या है, देखो, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आपकी पूरी अगर नींद अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आपके लिए आसान हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट को याद करना, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स लाना। तो आपका जो है नींद, आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। थर्ड देखिए क्या है, आपको क्या है, रिवीजन। आपको क्या है, रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से करना। आप रिवीजन नहीं करते हो, आप पढ़ तो लेते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो। रिवीजन आप करोगे तभी जाके आपके मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। आप भले ही आप क्वेश्चन अगर 2 लिखते हैं, भले ही आप क्वेश्चन अगर 3 लिखते हैं, लेकिन उन तीनों क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे अगर आप रिवीजन करेंगे तो। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये 6 मार्क्स भी आपके नहीं आएंगे। इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है इस मार्क्स के कारण। तो अगर 80% आपके आने ही आने हैं तो सही उत्तर लिखना। आपके क्या है, आप लिख तो लेते, लेकिन आपको अगर सही उत्तर आपको पता ना होगा, आंसर ही आप अगर गलत लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप सही मतलब पूरे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। इसीलिए आपको ये गलती भी आपकी सुधारनी है। तो आपको लिखना है आंसर, आप आंसर लिख तो लें लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होगा तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देर रात तक जागना, आपको देर रात तक जागते नहीं रहना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ मोबाइल में आ जाते, मतलब गेम वगैरह खेलने लगते, कुछ रहते, उन लतों को, कुछ लतें ऐसी हैं ख़राब, उनको अपनी आदतों को सुधारना है। टीवी देखना, फिर मोबाइल में गेम वगैरह खेलना, ये सब बंद करना पड़ेगा। फिर आपका हो गया फेसबुक, हो गया फिर व्हाट्सअप, हो गया ये सब चैटिंग वगैरह, ये सब इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सब से बचे रहना पड़ेगा। इन सब से अगर आप दूर हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। अच्छे नंबर आपके तभी आ पाएंगे जब आप इन आदतों को सुधार ले। तो देर रात तक आपको जागना नहीं है, आपको टाइमली सोना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, मन आपका शांत रहेगा तभी आपको अच्छी तरीके से नींद होगी और तभी आपका अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आपको याद होंगे, ठीक है बच्चों। देखो 6 क्या है, देखिए सिलेबस में ध्यान नहीं देते। आप सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, आप सिलेबस को हमेशा ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से पढ़ना, उसी में आपका पूरे आंसर उसी में छुपे रहते हैं तो आपको सिलेबस के साथ ही पढ़ना है। सिलेबस के साथ पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे। और समय को ज़रूर आप महत्व दें, समय का ध्यान देंगे तभी जाकर आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, अच्छी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को, मतलब आपके पास समय अगर रहता अगर है तो सारे प्रश्न को आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप एक दिन, आज का एक दिन अगर 45 मिनट, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि आप अगर रोज़ का 45 से
45 से आप अगर 50 मिनट तक आप अगर रोज़ अपने होमवर्क को देते हो, मतलब पढ़ते अगर हो टाइम टू टाइम, अगर करते अगर हो टाइम टेबल के अनुसार, तो आपका समय आपका वेस्ट नहीं होगा। आपका ये समय अगर आप एक सब्जेक्ट भी कर लेते हो तो आपका एक सब्जेक्ट उस दिन कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन आप अगर नहीं करते हो तो उस दिन आपका मैंने पढ़ाई जो है वो कम हो जाता है। इसी कारण आपको ध्यान रखना है समय का, आपको समय के अनुसार पूरे सिलेबस को कंप्लीट करनी है। तो कुछ ऐसी गलतियां, देखो मैंने आपको कितनी गलतियां बताई हैं, 7 गलतियां, और मुझे अगर लगे कि कुछ गलतियां छूट गई हैं तो आप अपनी गलतियों को खुद निकालिए कि हाँ मैं इसमें मैम ये गलती नहीं बताई है, तो प्लीज़ आप उन गलतियों को भी अपनी कुछ गलतियाँ आप भी निकालें और निकालने के बाद उनको भी सुधार लें। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे मार्क्स आने कंप्लीट हैं, एकदम आपके पूरी मार्क्स जरूर आएंगे, नंबर्स पूरे आएंगे। तो आप अपने नंबर्स को पूरा क्लियर करो और पूरे नंबर्स को एकदम अच्छी तरह से, पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से, पूरे मतलब जितने भी हैं आपके टोटल सभी को आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट्स को आपके 6 है, 7 है, 5 है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने हैं, तभी जाके आपके पूरे मार्क्स आ पाएंगे और 80 से 90% आपके पक्के हैं आने। तो चलिए मेरे ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे मैं आपसे फिर मिलती हूँ नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और मुझे नए कमेंट भी करें, और मैं नए वीडियो बनाने की मैं कोशिश भी करूँगी आपके अनुसार। चलो फिर मिलते हैं।